your lives during that. नमस्कार, और जैसे साउथ इंडिया में कहा जाता है, शुभ दिन। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान बार काउंसिल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर सैयद शाहिद हसन साहब, अध्यक्ष राजस्थान बार काउंसिल, डॉक्टर आचार्य जी, कपिल माथुर जी और सुनील बेनीवाल जी को, कि उन्होंने मुझे ये संबोधन करने का सुअवसर दिया। ये वेबिनार की श्रृंखला जो आपने शुरू की है, वह अवश्य अहम और सराहनीय कार्य है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन के पश्चात भी ये सिलसिला आप अवश्य जारी रखेंगे। ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है। ज्ञान हम किताब से ले सकते हैं, अनुभव हमें जिंदगी से मिलता है। आज का जो टॉपिक है, फौजदारी अपील, तैयारी और प्रस्तुति, ज्ञान और अनुभव का अनोखा मिश्रण है। परंतु इसके पहले कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करें, मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले फौजदारी कानून के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिन्हें हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहते हैं, उनको संक्षेप में समझें। ये सिद्धांत हैं कॉमन लॉ का सर्वप्रथम सिद्धांत, हर व्यक्ति निर्दोष है, यानी कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। उसको दोषी करने का और दोषी करार करने का जो जिम्मेदारी है, वो राज्य की है। दूसरा सिद्धांत, हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए जिम्मेदार है, जिसको हम पर्सनल लायबिलिटी के नाम से जानते हैं या व्यक्तिगत जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां पर एक व्यक्ति दूसरे आदमी के कार्य के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे हम कानून की भाषा में वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी का जिक्र और उसका विश्लेषण सेक्शन 34 और सेक्शन 149 आईपीसी में दिया गया है, इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम इन दोनों सेक्शन के फर्क को अच्छी तरह जानें। चौथा सिद्धांत, कोई भी कार्य आपराधिक होने के पहले उसमें दो इंग्रेडिएंट्स देखे जाने बहुत जरूरी हैं। सर्वप्रथम एक्टस रियस, यानी कि जो कार्य किया गया है, जैसे कि चोरी, कत या बलात्कार, और दूसरा जो अपराधी, उसकी मंशा क्या थी उस वक्त, उसकी मानसिकता सही थी या गलत, इसका अवलेशन करना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं इंटेंशन, नॉलेज, रैशनेस, नेग्लिजेंस, या इन केस ऑफ चीटिंग, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। परंतु कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जहां पे मानसिकता की कोई भी भूमिका नहीं होती है, महत्व नहीं होता है, रोल नहीं होता है, और इनको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसमें आते हैं किडनैपिंग, स्टैट्यूटरी रेप या सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। देखा जाए तो अपराध अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ अपराध होते हैं जो संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, ट्रेसपास, फ्रॉड, चीटिंग। कुछ अपराध शरीर के खिलाफ होते हैं, असॉल्ट, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कत या बलात्कार। और कुछ अपराध देश के खिलाफ होते हैं, जैसे कि देशद्रोह। कुछ अपराध जुडिशरी के खिलाफ भी हो सकते हैं, जैसे कि परजरी या शपथ के अंतर्गत गलत बयान देना। सीआरपीसी भी अपराधों का वर्णीकरण करता है, जैसे कि कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल या नॉन बेलेबल। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध जिनका वर्णन किया गया है, उनको हम जनरल क्राइम्स कहते हैं, और जो विशेष कानून के अंतर्गत जिन अपराधों का वर्णन किया गया है, उसको हम स्पेशल क्राइम्स कहते हैं, क्योंकि वो स्पेशल कानून के अंतर्गत बनाए गए, जैसे कि NDPS एक्ट, पॉक्सो एक्ट, SCST, कस्टम्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। एक नए वकील के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो क्रिमिनल अपील की ड्राफ्टिंग कैसे करेगा। जब उसके पास फाइल आ जाती है, और राजस्थान में एक बहुत अच्छी परंपरा है कि ट्रायल कोर्ट का जो वकील है, वो अपने हाई कोर्ट के साथी को पूरी फाइल भेजता है,
अब एक हाई कोर्ट के युवा वकील के पास एक फाइल आ गई है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि उसका अब विश्लेषण कैसे किया जाए। सबसे पहले तो शुरुआत कीजिए एफआईआर से, क्योंकि एफआईआर जो है वो अभियोजन पक्ष की पूरी बुनियाद है। अभियोजन पक्ष उस बुनियाद के ऊपर, उस नींव के ऊपर अपना केस बना सकता है, परंतु वो उससे दूर नहीं जा सकता है। अगर अभियोजन पक्ष उससे दूर जाता है तो जाहिर है अभियोजन पक्ष का केस बहुत कमजोर हो जाता है। एफआईआर को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप ये देखिए कि ये अपराध किस धारा के अंतर्गत माना जा रहा है, और उस धारा को फिर स्पेशल रूप से पढ़िए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो आपकी बहस होगी अदालत में वो ये होगी कि ये इंग्रेडिएंट्स कानून के हैं और ये तथ्य इस केस के हैं, किंतु ये तथ्य इस इंग्रेडिएंट्स में नहीं आते हैं, इसलिए ये निर्दोष है। एफआईआर पढ़ने के बाद और उन इंग्रेडिएंट्स, उस ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स जानने के बाद पूरा जजमेंट बारीकी से पढ़िए, और उसके बाद कुछ एक विचार अपने मन में लाइए, उनका मंथन कीजिए। जनरली 9 चीजें हैं जो हम जजमेंट्स को पढ़ने के बाद सोचते हैं, और ये हैं: क्या ये केस डायरेक्ट एविडेंस यानी चश्मदीद गवाहों के बयानों के ऊपर आधारित है, या ये केस परिस्थितिजनक साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर आधारित है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके दोनों के मापदंड अलग अलग होंगे, बहस अलग अलग होंगी। दूसरा प्रश्न कीजिए कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष कितना सुदृढ़ है या वह कितना कमजोर है। नंबर 3, अपराधी के खिलाफ किस साक्ष्य को पढ़ा गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, खासकर परिस्थितिजनक साक्ष्य के केसेस में, क्योंकि सर्वप्रथम प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा जज के द्वारा वो यही होगा कि क्या साक्ष्य पढ़ी गई थी आपके मौकिल के खिलाफ। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में हमें ये देखना है कि क्या सारी कड़ियां मौजूद हैं जो एक पूरे चेन को बनाती हैं, जो अनएरिंगली किसी भी संदेह के परे ये साबित करता है कि हाँ, केवल ये जो कृत किया गया है, जो क्राइम कमिट किया गया है, वो केवल यही मुलजिम कर सकता था, ना कि अपितु या कोई और कर सकता था। नंबर 4, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रथम दृष्टांत ये लगता है कि प्रोसिक्यूशन का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, परंतु जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आप अपने आप से ये पूछिए, क्या अभियोजन पक्ष एक संभव केस लेके आया है या एक असंभव केस लेके आया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ जो तेलंगाना में अभी हमने सुना है। अभियोजन पक्ष का केस ये था कि मृतक का इकलौता बेटा ही मात्र एक चश्मदीद गवाह है इस कत्ल का, और वो गवाह ये कहता है कि सुबह जो मुलजिम है वो अपना ट्रैक्टर लेके हमारे खेत से गुजरा, मेरे पिता ने उसका विरोध किया, शाम को वो मुलजिम फिर वो ट्रैक्टर लेके आया और हमारे खेत से फिर गुजरने की कोशिश किया, और जब मेरे पिता ने विरोध किया तो उसने ट्रैक्टर से मेरे पिताजी को कुचल दिया और वो उनकी हत्या, उनका देहांत हमारे खेत में ही हो गया। अब ये केस है सोल आई विटनेस के ऊपर, और पूरा केस उसी के ऊपर आधारित है, परंतु जब बारीकी से साक्ष्य का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि सर्वप्रथम साइट प्लान के अनुसार डेड बॉडी उसके फार्म पे नहीं है, उसके खेत पे नहीं है, बल्कि जो डेड बॉडी है वो एक कच्चे रास्ता जो उस फार्म के बगल से गुजरता है वहां पे है। दूसरी चीज, आयो ने ये कहा कि 9 बजे जब मैं वहां पहुंचा तब वो डेड बॉडी फार्म उस कच्चे रास्ते पड़ी हुई थी। अब ये सोचने की बात है कि जिस बच्चे ने अपने पिता का कत्ल होते देखा और जो अपने बयान में कहता है कि आसपास के जो किसान थे वो भी वहां आ गए, वो क्या शाम 6 बजे के कत्ल के बाद अपने पिता की लाश एक कच्चे रास्ते पे छोड़ेगा, या उसकी सबसे प्रबल जो पॉसिबिलिटी है
और जो होना चाहिए थे ह्यूमन कॉन्टेक्ट के अनुसार, वो उस लाश को लेके अपने घर जाएगा। ये क्लियर कट टर्म्स में दर्शाता है कि प्रोसिक्यूशन की जो कहानी है, कि ये जो इकलौता चश्मदीद गवाह है और जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, वो एक गलत कहानी लेके आ रहा है। ये चश्मदीद गवाह हो ही नहीं सकता। पांचवा प्रश्न ये अपने आप से कीजिए, क्या अभियोजन पक्ष कुछ छुपा रहा है और क्या क्या चीजें छुपा रहा है? क्या ये केस की शुरुआत ही छुपा रहा है? जैसे कि अगर मान लीजिए मुलजिम के भी चोटें लगी हैं, तो क्या उसका एक्सप्लेनेशन अभियोजन पक्ष देता है या नहीं? अगर नहीं देता है तो ये एक बात को इंगित करता है कि अभियोजन पक्ष ना तो क्लीन हैंड्स के साथ आ रहा है, और शुरुआत जो हुई है उस केस की उसको वो जानबूझकर अदालत से छुपा रहा है। छठा प्रश्न ये कीजिए कि क्या इनोसेंट लोगों को रोप इन किया जा रहा है, जो निर्दोष हैं, खासकर जब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी सेक्शन 149 का केस डील करते हैं या धारा 304B का केस डील करते हैं, तो जनरल टेंडेंसी ये होती है कि हम निर्दोष लोगों को भी नामांकन उनका कर देते हैं, FIR में उनका नाम लिखाते हैं और अपने बयानों में भी कहते हैं कि हाँ वो वहां मौजूद थे या उनका कोई अहम भूमिका उनकी थी। सातवां प्रश्न आप जो कीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, भले ही आप एक डायरेक्ट एविडेंस के केस के साथ डील कर रहे हैं या सर्कमस्टेंशियल केस के साथ डील कर रहे हैं, और वो है कॉरोबोरेशन। कितना कॉरोबोरेशन मिलता है अभियोजन पक्ष के केस को? ये कॉरोबोरेशन जरूरी हो जाता है जब एक सोल विटनेस के आधार पे अभियोजन पक्ष आ रहा है, या अप्रूवर के एविडेंस के आधार पे अभियोजन पक्ष आ रहा है, या अभियोजन पक्ष ये कहता है कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हुआ था, या सर्कमस्टेंशियल केस में अभियोजन पक्ष ये कहता है कि बरामद की चीजों की हुई थी परंतु उसकी शिनाख्त की नहीं हुई। इसलिए हमें बहुत जरूरी होता है देखना और क्रॉस चेक करना, एक बार नहीं बार बार करना, जो एविडेंस आ रही है अभियोजन पक्ष में उसका कितना कॉरोबोरेशन हो रहा है। आखिरी प्रश्न कि बचाव पक्ष, यानी कि मुलजिम ने अपने बचाव में सर्वप्रथम किस बचाव को लिया, एक जनरल बचाव को लिया या कोई एक स्पेसिफिक बचाव को लिया, या कोई बचाव को लिया या केवल खामोशी रहा, और सबसे आखिरी कि बचाव पक्ष के वकील साहब ने कौन कौन से तर्क उठाए ट्रायल कोर्ट के समक्ष। इन सब चीजों का अगर आप मंथन करेंगे तो आपको अपनी अपील ड्राफ्ट करने का एक ढांचा मिल जाता है। इसके बाद आप डिटेल में अगर ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो दो तीन मुद्दे और हैं जो आप उसमें देखिए। सर्वप्रथम कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं अभियोजन पक्ष के, उनको एम्फसाइज कीजिए अपने अपील के ड्राफ्टिंग के समय। जो विरोधभासी बयान आए हैं या जो लैक ऑफ कॉरोबोरेशन आपको वहां मिल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फसिस दीजिए। आप ये देखिए कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन पक्ष का समर्थन करती है या उसको कमजोर करती है। बैलिस्टिक रिपोर्ट अगर हो तो उसका विश्लेषण कीजिए। नारकोटिक्स केस में केमिकल रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए, FSL रिपोर्ट को देखिए, ये प्रोसिक्यूशन केस को स्ट्रॉन्ग करती है या वीक करती है। कई बार कहा जाता है कि कत्ल करने का जो वेपन था उसकी बरामदगी की गई, FSL रिपोर्ट क्या कहती है कि उस कत्ल करने के वेपन के ऊपर ब्लड ग्रुप पाया गया कि नहीं पाया गया। ये भी देखिए कि ये चाइल्ड विटनेस जो आ रहा है वो ट्यूटर्ड है कि नहीं। ये भी देखिए कि जो सोल आई विटनेस आ रहा है वो विश्वसनीय है कि नहीं। रिकवरी विटनेस जिसके ऊपर अभियोजन पक्ष अपना केस बनाने की कोशिश कर रहा है वो कहीं स्टॉक विटनेस है कि नहीं। ड्राफ्टिंग के बेसिकली दो सिद्धांत होते हैं और दो सोच होती है। कुछ वकीलों का ये मानना है कि जब आप ड्राफ्टिंग करें अपने अपील को तो बहुत जनरल और वेग टर्म्स में करें,
इसके दूसरी तरफ एक विपरीत धारणा है कि जब आप ड्राफ्टिंग करें तो बहुत डिटेल में करें। मेरे अनुसार और मैं चाहता हूं कि जब ड्राफ्टिंग एक अपील पढ़ें, और जज भी चाहता है जब वो अपील पढ़े, तो उसमें डिटेल बहुत सारे हों, जिससे जज को भी ये पता चल जाए कि ये केस अभियोजन पक्ष की तरफ से क्या आया और इसमें खामियां क्या पॉइंट आउट करने जा रहे हैं वकील साहब दूसरे दिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ड्राफ्टिंग बहुत पर्टिकुलर टर्म्स में करते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स करते हैं, बारीकी से करते हैं, तो जाहिर है जब आपकी बहस करने की बारी आएगी तो आपको बहुत प्रेपरेशन, बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। मुद्दा ये भी उठता है कि हम क्या क्या ग्राउंड्स ले सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत छोटी सी टेक्निक है परंतु बहुत अहम टेक्निक है, जो अक्सर वकील लोग हमारे जमाने में तो अप्लाई करते थे, अब मुझे पता नहीं कि अभी करते हैं कि नहीं। एससीसी का जो टॉपिक इन इंडेक्स है, एससीसी डाइजेस्ट का जो टॉपिक इंडेक्स होता है, जो ईयरली डाइजेस्ट आपके पास आती है, उसका आप टॉपिक इंडेक्स खोलें, वहां पे एक पूरा सब्जेक्ट मैटर लिखा है क्रिमिनल ट्रायल, और मैं आपको दिखा सकता हूं, ये है क्रिमिनल ट्रायल। अगर आप देख गौर से देख सकते हैं तो लाइन लाइन के बीच में जो है वो क्रिमिनल ट्रायल के जितने भी मुद्दे उठते हैं, जितने भी पॉइंट्स उठते हैं, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन, एक्सपर्ट एविडेंस, आइडेंटिफिकेशन, इंजरीज, वेपन्स एंड वूंड्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, टाइम ऑफ अकरेंस, और कई बार तो ऐसे पेचीदा मुद्दों पे भी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन अंडर द मूनलाइट भी आपको मिल जाएंगे। इस एससीसी के इंडेक्स को, टॉपिकल इंडेक्स को आप अपने सामने रखें और उसमें से देखें कि क्या क्या मुद्दे इसमें जिक्र किया हुआ है, क्योंकि यही ग्राउंड्स हैं जो आप अपने अपील में ड्राफ्ट करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपील की तैयारी कैसे करें। अपील की तैयारी करना एक मेहनत मांगती है, परंतु उस मेहनत के बगैर आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि एक फौजदारी वकील जो है वो मास्टर ऑफ फैक्ट होता है, वो सारे तथ्य जानता है उस केस के, और उसको जानना चाहिए। अगर वो नहीं जानता है तो उसकी बहस बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप पूरे रिकॉर्ड को बहुत क्रिटिकली, बहुत बारीकी से उसको पढ़ें। आप देखेंगे कि जितना आप बारीकी से पढ़ेंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे अभियोजन पक्ष के खिलाफ, और अगर आप नेशनल डाटा को भी देखें तो हमारे यहाँ केवल 48.8% कन्विक्शन होता है, यानी कि 50% हमारे यहाँ निर्दोष लोग पाए जाते हैं, और 50% से ऊपर ही। जब आप क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करेंगे और क्रिटिकली पढ़ना शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम आप एक नोटबुक लें, और ये नोटबुक बहुत अहम होगी जिस दिन आप बहस करने जाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी बहस फाइल के ऊपर नहीं परंतु उस नोटबुक के ऊपर। नोटबुक के पहले पन्ने पे एफआईआर के डिटेल्स लिखिए, और एफआईआर के डिटेल्स हैं कंप्लेनेंट का नाम, टाइम और प्लेस ऑफ अकरेंस, मुलजिमों का नाम है या नहीं, मुलजिमों को क्या कृत्य उन्होंने असाइन किया है, क्या वेपन्स उनको असाइन किए गए हैं, आई विटनेसेस के नाम यानी कि चश्मदीद गवाहों के नाम लिखे गए हैं एफआईआर में कि नहीं लिखे गए हैं, एफआईआर का टाइम क्या है, एफआईआर किस वक्त मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंची। ये सारे अहम मुद्दे हैं, इनको बारीकी से देखिए और पहले पन्ने पे इनके बारे में सारा विवरण लिखिए। दूसरे पन्ने में लिखिए पूरी लिस्ट ऑफ विटनेसेस, यानी कि कितने साक्षी आए और कितने साक्षियों में से कितने चश्मदीद गवाह हैं, कितने रिकवरी के गवाह हैं, कौन गवाह हॉस्टाइल हो गया या नहीं हुआ, इसका सारा विवरण पूरे एक लिस्ट में लिखिए। पेज नंबर 3 में
सारे एग्जिबिट्स लिखिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन से एग्जिबिट में है, या जो सीन ऑफ क्राइम है वो एग्जिबिट नंबर क्या है। आप उस पन्ने को पलट के साफ बता सकते हैं कि इस एग्जिबिट का नंबर क्या है। पेज नंबर 4 पे लिखिए जो आर्टिकल्स रिकवर्ड किए गए थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ के द्वारा। उसके बाद आप PW1 से शुरू करें, उसके बयान से शुरू करें, और एक एक लाइन उसके एग्जामिनेशन चीफ की लिखिए। परंतु याद रहे, जब आप उसके बयान को लिखना शुरू करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप 2 इंच का मार्जिन खाली छोड़ दें, और मैं आपको बताऊंगा ये 2 इंच का मार्जिन की महत्वता क्या होती है और क्यों खाली छोड़ना पड़ता है। आप उसके एक एक लाइन को लिखिए, और ये भी लिखिए कि लाइन नंबर क्या है पेज पे, और पेज पे ये ऊपर से लाइन नंबर कितना और नीचे से लाइन नंबर कितना है, पैरा नंबर क्या है, और उसके एक एक लाइन लिख के एग्जामिनेशन चीफ की लिखिए, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन की लिखिए। ऐसा करके आप सारे PW जितने भी हैं या DW जितने भी, उनके सारे के गवाहों के बयान उस नोटबुक में लिख लीजिए। जब ये कार्य खत्म हो जाए तो अब आप आइए वो 2 इंच की जो स्पेस आपने छोड़ी उसके ऊपर, एक एक गवाह के जब आप बयान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस गवाह का विरोधाभास किस गवाह के साथ है, किस मुद्दे पे एक गवाह दूसरे गवाह के बयान की पुष्टि नहीं करता है, कौन सा कॉरोबोरेशन कहाँ पे मिसिंग है। उन सबको आप वो 2 इंच के लाइन पे लिखते चले जाइए। जैसे कि PW1 का जो बयान है वो PW5 पुष्टि नहीं कर रहा, या PW1 का जो बयान है वो PW8 उसके खिलाफ अपना बयान दे रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आता है दोनों गवाहों के बीच में। वो पूरे नोट्स आप वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनाइए। जब आप इस तरह से बहस करेंगे, एक जज को पेज नंबर, लाइन नंबर, पैरा नंबर, और ये बता देंगे कि जज साहब आप ये लाइन नंबर 8 पैरा नंबर 3 जो कि लाइन नंबर 8 है नीचे से, कहा जाता है कि जज इज मोस्ट इंप्रेस्ड बाय लॉयर हु इज थॉरली प्रिपेयर्ड। अगर आप इस तरह से बहस करते हैं उस नोटबुक के आधार पे, तो वाजिब है कि कोई भी जज ये मान के चलेगा कि आज वकील साहब पूरी बहस तैयारी के साथ करके आए। जब आप कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट करें तो आप मेजर पॉइंट्स पे कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट करें। कई बार होता है कि एक जो नया वकील है वो ये तर्क देने की कोशिश करता है कि टाइमिंग में विरोधाभास है। एक गवाह ने कहा 10:30 बजे कत्ल हुआ सुबह, दूसरा कहता है 11 बजे हुआ। ये जो विरोधाभास है वो कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पे नहीं है, क्योंकि 10:30 और 11 बजे के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए जो आप कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट करें, जो विरोधाभास आप पॉइंट करें, आप बड़े मुद्दे के ऊपर पॉइंट करें, महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर पॉइंट करें। ओमिशन भी हो सकता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन की श्रेणी में आएगा, तो आप उस ओमिशन को भी पॉइंट करें। दूसरी चीज, आप ये भी देखें जब आप गवाहों के बयान पढ़ रहे हैं कि ये गवाह किस प्रकार का है। ये रिलेटेड विटनेस है, ये सोल आई विटनेस है, ये चाइल्ड विटनेस है, ये चांस विटनेस है, या एक प्लांटेड विटनेस है, एक झूठा गवाह है जो पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसको झूठा गवाह के बयान लिए हैं और अभियोजन पक्ष उसको इस्तेमाल कर रहा है, या ये स्टॉक विटनेस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप ये देखें कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितना कॉरोबोरेट या कितना कॉन्ट्रडिक्ट करती है, और वो सारे पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में लिखिए। जब आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस की बात करते हैं तो ये देखिए कि कितने मिसिंग लिंक हैं। मिसिंग लिंक हो सकते हैं कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ द लास्ट सीन, यानी कि आखिरी बार मृतक को मुलजिमों के साथ देखा ही नहीं गया था, या ये हो सकता है कि इस क्राइम को कमिट करने के लिए कोई मोटिव नहीं है। अगर अभियोजन पक्ष कहता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, और खासकर सर्कमस्टेंशियल केस के एविडेंस में अभियोजन पक्ष कोशिश करता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को लाने की, तो ये देखिए कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन
क्या उन तीन टेस्टों को पास करता है जो बहुत जरूरी है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पास करे, यानी कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वॉलंटरी है। दूसरा, ये ऐसे व्यक्ति को किया गया है जिसके ऊपर उस मुलजिम को विश्वास था, या तो वो बहुत उसका क्लोज दोस्त है या रिश्तेदार है या कोई जानकार है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है कि आप किसी अनजान व्यक्ति को नहीं करेंगे। आप ये भी देखिए कि अगर रिकवरी ऑफ वेपन बता भी रहा है परिस्थिति साक्ष्य के केस में, तो रिकवरी ऑफ वेपन का कॉरोबोरेशन कहां होता है? एफएसएल की रिपोर्ट क्या उसको कॉरोबोरेट करती है, या केवल ये कहा जाता है रिकवरी विटनेस के थ्रू कि ये वेपन जो था वो रिकवर किया गया? महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या एफएसएल रिपोर्ट उसको कॉरोबोरेट करेगी कि नहीं करेगी। आखिरी में आप जो लॉजिक है, जो आधार है उस जजमेंट का, उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। जैसे कि जो जज साहबान है, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने क्या जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे उसको नजरअंदाज कर दिया, उसकी अनदेखी कर दी, या जो एविडेंस जिस तरह से वो पढ़ी जानी थी वो पढ़ी ही नहीं गई है, या किसी जज ने उस साक्षी को भी इग्नोर कर दिया जिसको अभियोजन पक्ष ने हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं किया था, परंतु ऐसा साक्षी जो अभियोजन पक्ष के खिलाफ बयान दे रहा है, क्योंकि अगर उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं किया गया है तो जाहिर है अभियोजन पक्ष उस साक्षी के बयान से बाध्य हो जाता है। आखिरी में यह भी देखिए कि अगर कोई डिफेंस विटनेस था तो उसकी एविडेंस को डिस्कस किया गया या नहीं किया गया, या उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितने ठोस और कारागार कारण दिए गए हैं किसी व्यक्ति को दोषी करार ठहराने के लिए। ये सब जो मुद्दे होते हैं, ये मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जब हम एक मुलजिम की तरफ से अपनी अपील पेश कर रहे हैं, परंतु धारा 372 और धारा 378 सब धारा सब सेक्शन 4 सीआरपीसी अब एक विक्टिम को भी और एक कंप्लेनेंट को भी अधिकार देता है कि वो अपील दायर कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब मान लीजिए अगर हम अपील दायर कर रहे हैं उस विक्टिम के तरफ से या उस कंप्लेनेंट के तरफ से, तब हमारी बहस किस तरह की होगी, हम क्या पहलू देखेंगे उसमें। जाहिर है इसमें भी हम ये स्टडी करेंगे कि इस अपराध के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, परंतु अब हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पलट जाएंगे। अभी तक जब हम मुलजिम की तरफ से आ रहे थे तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि देखिए कानून के इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इस केस के तथ्य ये हैं, परंतु इस केस के तथ्य ये इंग्रेडिएंट्स में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो निर्दोष है। परंतु जब हम विक्टिम की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से हम जब बहस करते हैं तो हमारे बहस पलट जाती है। अब हमारे हमें ये बहस करना है कि देखिए इंग्रेडिएंट कानून के अनुसार इस अपराध के ये, ये और ये हैं, इस केस के फैक्ट्स ए बी और सी हैं, और इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो इन इंग्रेडिएंट्स में बकायदा संपूर्ण रूप से आ रहे हैं। इसलिए ये वर्ड जो व्यक्ति है, ये जो अपराधी है, दोषी है, और इसको निर्दोष ठहराना एक गलत कानूनन फाइंडिंग है। हम ये भी बहस करेंगे कि क्या ऐसे साक्ष्य थी जिसको ट्रायल जज ने इग्नोर कर दिया, जिसको उसको पढ़ना चाहिए था। और हम ये भी बहस करेंगे अंत में कि देखिए जितनी भी एविडेंस अभियोजन पक्ष लेके आया था उसके दो इंटरप्रिटेशन अवेलेबल नहीं है, इसका एक ही इंटरप्रिटेशन है, और वो है इंटरप्रिटेशन कि ये आदमी दोषी है। अब हम बात करते हैं कि क्रिमिनल अपील को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, परंतु इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में आर्ट ऑफ एडवोकेसी के बारे में बताना चाहूंगा।
क्योंकि आर्ट ऑफ एडवोकेसी है जो केस जीतती है या आप अदालत में हारते हैं। तो आर्ट ऑफ एडवोकेसी क्या होती है? ये बातें बहुत सिंपल हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार हम इसकी अनदेखी कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो एक जज के नजरिए से बता रहा हूं, ना कि एक वकील के नजरिए से। अब देखिए कि जज क्या क्या चीजें देखता है जब पहली बार कोई भी वकील उसके कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है। सर्वप्रथम जज देखता है वकील का हाव भाव, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके एटिकेट्स। वो मुंह लटका के आ रहा है या एक प्रसन्नता उसके चेहरे पे जाहिर है, आत्मविश्वास उसके चेहरे पे जाहिर है। वो किस तरह से संबोधन करता है, किस तरह से अपने कॉलीग से मिलता है, किस तरह से अपने कॉलीग से संबोधन करता है जब वो बहस करता है। तो सर्वप्रथम आप अपने पर्सनल अपीयरेंस का ख्याल रखें। जाहिर है अगर हम किसी डॉक्टर के सामने जाते हैं, पास जाते हैं, तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं जो गंदा हो, मटमैला हो, जो बिल्कुल ऐसा लगे कि बस सो के उठ के आ गया, बिस्तर से लुढ़का और हॉस्पिटल में आ गया। हम भी चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर जो हो बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड हो, उसके चेहरे पर मुस्कान हो, खुशी हो, क्योंकि हम तो खुद ही उदास पहुंचे उसके पास। उसी तरह एक जज भी चाहता है कि जब वकील उसके पास आए तो स्मार्टली ड्रेस्ड हो। दूसरी चीज, आपकी रेपुटेशन क्या है बार में। केवल वकील ही जजेस का डाइसेक्शन नहीं करता है बार रूम में बैठ के, जज भी वकीलों का डाइसेक्शन करते हैं अपने कॉमन रूम में बैठ के, उनका जिक्र करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और एक दूसरे को सचेत करते हैं। इसलिए आपकी रेपुटेशन बार में क्या है, बार के बाहर क्या है, उसको बहुत संभाल के रखिए। कहा जाता है कि विनम्रता जो है वो एक वकील का सबसे ठोस और स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। जितना आप विनम्र होंगे कोर्ट के अंदर, उतनी ही उम्मीद है कि आप अपना केस जीत के जाएंगे। आपकी विनम्रता केवल उस जज को प्रभावित नहीं करेगी, आपकी विनम्रता के जो चर्चे होंगे कॉमन रूम में वो आपके रेपुटेशन को दुगना करेगी, आपके प्रैक्टिस में चार चांद लगाएगी। तीसरी चीज जो जज देखता है कि आप इंटेलेक्चुअली कितने ऑनेस्ट हैं। कोई तर्क आपके खिलाफ जा रहा है या कोई साइटेशन आपके खिलाफ जा रहा है तो क्या आप उसको कहते हैं कि हाँ ये तर्क मेरे खिलाफ है, ये तथ्य मेरे खिलाफ है, मेरे मौकिल के खिलाफ है, ये साइटेशन मेरे खिलाफ जा रहा है, और फिर आप उस साइटेशन से कैसे डील विथ करते हैं, यानी कि आप कितना ऑनेस्ट हैं कोर्ट के अंदर। चौथी चीज जो जज देखता है कि आप जज के प्रति कितना पेशेंट हैं। माना कि हमें बहुत पेशेंस होना चाहिए एक वकील के प्रति, और उसको भरपूर समय देना चाहिए अपने तर्क उठाने का, अपने केस समझाने का, परंतु हम ये भी देखते हैं कि आप हमारे प्रति कितने पेशेंट हैं। जाहिर है हर जज एक मानव है, वो थकता भी है, वो परेशान भी होता है, कई बार वो इरिटेट भी हो जाता है, परंतु आप उसके इरिटेशन से, आप उसकी नाराजगी को डील विथ कैसे करते हैं ये भी देखा जाता है। हम ये भी देखते हैं कि आप अपने जजेस को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर जज को समझें, परखें, देखें, उनके बारे में सोचें। क्या ये जज ऐसा है जो हर विषय के बारे में डेप्थ में जानना चाहता है, तर्कों को या कानूनन मुद्दों को डेप्थ में समझने की कोशिश करता है, या ये जज वो है जो डेप्थ में नहीं जाना चाहता है। ये जज क्या टेक्निकल जज है या सिनिकल जज है, या एक ऐसा जज है जिसके सामने आप कुछ भी बहस कर लें परंतु वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इस केस को खारिज कैसे किया जाए। जब आप एक जज के गुण और अवगुण से वाकिफ हो जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपने तर्क उस विशेष जज के अनुसार मोल्ड करें। और आखिरी चीज जो जज देखता है वो आपका ज्ञान देखता है।
आप कितना पढ़ के आए हैं, आपका ज्ञान कितना विस्तार पूर्वक है, क्योंकि फौजदारी की वकालत केवल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तक ही सीमित नहीं है। एक अच्छे फौजदारी वकील को बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती हैं, जैसे मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, बैलिस्टिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी और अब साइबर क्राइम के बारे में, और जितने भी स्पेशल क्रिमिनल लॉज हैं उसके बारे में। कई बार जज जब आपसे प्रश्न करता है तो ये नहीं कि वो आपके खिलाफ जा रहा है, ये एक गलत धारणा है वकीलों के दिमाग में कि जैसे ही एक जज प्रश्न करने लगता है इसका मतलब है कि वो जज उसके खिलाफ है। नहीं, सर्वप्रथम जज इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं, जो चाहता है कि आप उसके डाउट्स क्लियर कीजिए। दूसरी चीज, वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितने डेप्थ में जा सकते हैं, आपने कितनी बारीकी से वो केस पढ़ा है, उसके फैक्ट्स आप कितने अच्छी तरह से समझते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि जज जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो आपके खिलाफ है, क्योंकि वही जज अभियोजन पक्ष से भी उतनी ही बारीकी से अपने प्रश्न करेगा, उतनी ही प्रश्नों की बौछार पीपी के ऊपर होगी जितने आपके ऊपर हो रही है। अब ये देखिए कि क्रिमिनल अपील को आर्ग्यू करने के तरीके क्या होते हैं, और ये जो हम आर्ग्यू करते हैं, जो बहस करते हैं, वो सरप्राइजिंगली सिविल अपील और रिट पिटीशन के बहस से बिल्कुल विपरीत होती है। सिविल अपील में हमारी बहस ये होती है कि कानून हमें ये हक देता है, या कानून ये चीज कहता है, इस केस के तर्क ये हैं, और ये केस या मेरा हक जो बनता है कानून के अंतर्गत, इन तथ्यों के आधार पे मैं साबित करता हूं कि मेरा ये हक है, और ये हक का उल्लंघन कर रहा है दूसरी पार्टी, इसलिए मुझे मेरा रिलीफ दिया जाए। ये एक पॉजिटिव तरीका है बहस करने का। उसी तरह रिट पिटीशन में हम बहस करते हैं कि ये मेरे स्टैट्यूटरी राइट हैं, मेरे सिविल राइट हैं, या मेरे फंडामेंटल राइट हैं, और इन इन तथ्यों के आधार पे मेरा ये कहना है कि मेरे सिविल राइट, मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, इसलिए एक रिट इश्यू की जाए अदालत के द्वारा। ये फिर से एक पॉजिटिव तरीका है बहस करने का, परंतु ये तरीका फौजदारी वकील का तरीका नहीं है। जैसे मैंने कहा कि फौजदारी बहस है कि इंग्रेडिएंट्स ये हैं इस ऑफेंस के, तथ्य ये है इस केस का, और ये जो तथ्य है केस का वो इंग्रेडिएंट्स में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये आदमी निर्दोष है। शुरुआत आप अपने बहस की करेंगे एफआईआर से। जैसे मैंने कहा, एफआईआर बुनियाद है अभियोजन पक्ष की, और एफआईआर के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप फिंगर टिप्स पे रखिए। किसी भी जज को ये नापसंद है कि अगर हम उससे पूछें कि एफआईआर में क्या लिखा है तो वो फाइल खोलने लगता है, पन्ने पलटने लगता है। हम चाहते हैं कि कोई भी फौजदारी वकील हो कम से कम वो एफआईआर के जितने भी डिटेल्स हैं वो अपने उंगलियों पे रखे आए, वो बता सकता है कि इस एफआईआर में कौन कौन से मुलजिम है जो नामजद हैं, कौन कौन से मुलजिम है जो नामजद नहीं है, वेपन ऑफ ऑफेंस क्या इस्तेमाल किया गया था, समय क्या था, जगह क्या थी। तो इन सब चीजों को आप अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। उसके बाद जब आपने प्रोसिक्यूशन का केस एफआईआर के जरिए जज को समझा दिया, तब आप जज को इमीडिएटली बताइए कि ट्रायल कोर्ट ने आपके खिलाफ क्या क्या साक्ष्य पढ़े। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परिस्थिति जन साक्ष्य के केसेस में, क्योंकि एक जज की भी जिज्ञासा है कि कौन सी साक्ष्य इस आदमी के खिलाफ पढ़ी गई थी। जनरली वकील ये गलती करता है कि उसके सबसे पहले जो बहस होती है वो ये कहता है, साहब मेरा मौकिल जो है वो निर्दोष है। अगर वो वाकई में निर्दोष होता
तो उसको सजा क्यों दी गई। पहली बहस ये नहीं हो सकती कि वो निर्दोष है, वो तो आखिर निष्कर्ष आपको निकालना है, ना कि पहला तर्क देना है। सर्वप्रथम आप एक जज को ये बताइए कि ये साक्ष्य मेरे मुवक्किल के खिलाफ पढ़ी गई है, ये आई विटनेसेस हैं जिन्होंने बयान मेरे मुवक्किल के खिलाफ दिया है, ये कॉरोबरेटिव एविडेंस है जो मेरे मुवक्किल के खिलाफ पढ़ी जा रही है, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मात्र ये कड़ियां हैं इस चेन की जो मेरे खिलाफ पढ़ी जा रही है। उसके बाद आप अपने जितने भी तर्क हैं उनको संक्षेप में पॉइंट वाइज जज साहब को बताइए कि सर मेरे 5 पॉइंट हैं जिसपे मेरा अटैक है प्रोसिक्यूशन केस के ऊपर, और मेरे ये 5 पॉइंट हैं, और फिर उनको एक एक करके 5 पॉइंट जज साहब को लिखा दीजिए। इससे एक जज को यह पता चल जाता है कि संक्षेप में तो ये बहस इन वकील साहब की ये है, अब हम इसको विस्तार में सुनेंगे। तब एक एक बिंदु को लेके उसको विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण कीजिए, और जब आप करते हैं तब काम में आती है आपकी वो नोटबुक। गवाह का बयान, महत्वपूर्ण वाक्य जो उस बयान के हैं, और केवल महत्वपूर्ण वाक्य पढ़िए उस बयान के, जज साहब को बताइए कौन सी लाइन, कौन से पैरा, कौन से पेज पे जाना है, और एक एक बयान पढ़िए जो महत्वपूर्ण बयान है उस केस के। शुरुआत कीजिए स्टार विटनेस से, या तो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है। अगर विक्टिम है तो बयान शुरू कीजिए उस विक्टिम से, भले ही प्रोसिक्यूट्रिक्स PW8 हो, परंतु जज को सीधे प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान के ऊपर ले जाइए क्योंकि वो स्टार विटनेस है प्रोसिक्यूशन की। सारी चीजों को इलैबोरेटली एक्सप्लेन कीजिए, गवाह के बयान कॉरोबरेटिव एविडेंस के आधार पे एक एक पॉइंट का खुलासा कीजिए, और हर पॉइंट के बाद केस लॉ लाइए और केस लॉ से उसको सपोर्ट कीजिए। केस लॉ अगर लाना है तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि केस लॉ या प्रीसिडेंट का रूल क्या होता है। प्रीसिडेंट का रूल है कि हम सब हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाध्य हैं, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते और हम अपने भी हाई कोर्ट के जजमेंट से बाध्य हैं। परंतु अगर आप किसी और हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर निर्भर करना चाहते हैं तो देखिए ये फुल बेंच का डिसीजन है या नहीं है। आप एक डिविजन बेंच के समक्ष एक सिंगल बेंच का निर्णय नहीं दिखा सकते। आप ये भी देखिए कि क्या ये निर्णय ओवर रूल्ड है या इसको दोबारा कितनी बार इसका रेफरेंस आया है। कोई जरूरी नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट एक ही बिंदु के ऊपर लेके आए, काफी होता है कि आप लैंडमार्क जजमेंट जो है और उसके बाद जो लेटेस्ट जजमेंट है उस बिंदु के ऊपर, केवल यही 2 जजमेंट आप जज साहब को दिखाएं। उसके बाद आप ये भी बहस कीजिए कि प्रोसिक्यूशन केस में कमजोरियां कहां कहां है। इसके बाद जब आपका फ्रंटल अटैक जो होता है वो ट्रायल कोर्ट के लॉजिक के ऊपर होता है कि आधार क्या था इस निर्णय का, तब आप ये बताना शुरू कीजिए कि लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज क्या है इसकी। ये जो आधार है, ये तर्क जो देता है या जो अपना आधार बताता है जज, वो कितना सही या गलत है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आधार ही नहीं बताता है। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि मात्र गवाहों के जो बयान है उनका वर्णन है परंतु उनका विश्लेषण नहीं है, कोई एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं है, और जज साहब मात्र केवल इतना लिख देते हैं कि इन सब बयानों के मद्देनजर रखते हुए ये आदमी दोषी है। तब आप ये आर्ग्यू करेंगे कि साहब इसमें एक लैक ऑफ रीजनिंग है, ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। आप फिर ये भी देखिए, मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन केस बहुत ठोस केस लेके आया है, तब आप ये सोचिए कि अब इस बहुत ठोस केस से मैं कैसे अपने मौके को बचा सकता हूं।
तभी आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये देखिए कि हम क्या, अगर धारा 302 का केस बहस कर रहे हैं तो हम क्या कोई तरीका है कि हम इसको धारा 304 पार्ट प्रथम या 304 पार्ट टू द्वितीय में ला सकते हैं कि नहीं। अगर हम ला सकते हैं तो हम बलपूर्वक अपनी बहस करें उसके लिए, और उसके साथ ये भी बहस करें कि जो सजा दी गई है उसको रिड्यूस की जाए, या जो सजा हमने पूर्ण कर ली है उसको एज अंडरगॉन हमारे पार्टी को छोड़ा जाए। आखिर में अगर आपकी बहस बहुत लंबी है तो उसको समराइज कीजिए, क्योंकि कई सारे जजेस आप देखेंगे जब आप बहस करते होंगे तो आपकी बहस को लिखते हैं, अगर आप समराइज करते हैं अंत में तो वो काम आता है जज के, जब वो जज जजमेंट लिखाने बैठता है। बहस करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम उस जज को उस वक्त प्रभावित करें और उसको समझाएं अपना केस। बहस करने का एक दूसरा भी फंक्शन होता है, वो है कि हम एक जज के लिए उसके निर्णय लिखने का काम कितना सरल कर सकते हैं। अगर आप उनको सही साइटेशन देते हैं, सही बहस करते हैं, अपने सारी बहस के समरी करते हैं, समराइज करते हैं, तो जाहिर है कि आपने उस एक जज को इतना मसाला दे दिया है कि वो निर्णय लिखने में उस जज को कठिनाई नहीं होगी। अब दो मुद्दों के ऊपर मैं और चर्चा करना चाहता हूं। नंबर एक कि हम भविष्य के केसेस के लिए कैसे तैयारी करें। जो केसेस हमारे पास आए ही नहीं है अभी, परंतु उम्मीद है कि वो केस हमारे वकालत के दौर में कभी ना कभी तो हमारे पास आएंगे। इसके लिए दो तीन कदम आपको उठाने हैं। हर बिंदु पे, किसी भी केस में कितनी सारी बिंदु उठती हैं, हर बिंदु पे आप एक डाइजेस्ट बनाइए। डाइजेस्ट अगर आप देखेंगे, आपके जो लीडिंग लॉयर्स हैं उनकी अगर आप बहस कभी सुने तो आपको ये मालूम चलेगा कि उनकी आधी बहस जो है वो केस लॉ के ऊपर आधारित है। हर एक बिंदु, जिस कानूनन बिंदु हो या तथ्य का बिंदु हो, उसके ऊपर आप एक डाइजेस्ट बनाइए। और आजकल डाइजेस्ट बनाना बहुत आसान हो गया क्योंकि आप उसको अपने मोबाइल पे भी बना सकते हैं। दूसरी चीज, आप कोर्ट में बैठें, दूसरे वकीलों के तर्क वितर्क सुने, जज को परखें कि ये जज किस तरह का है, क्योंकि वो आपके वकालत में मदद करेगा। और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, जो आजकल हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और गलतियां दोनों तरफ से हैं, युवा पीढ़ी जो है वो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिलने में कतराती है, और वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो युवा पीढ़ी को अपने पास बुलाने से दूर रखते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, और उनमें वार्तालाप ज़्यादा नहीं होती है। परंतु सबसे अच्छा तरीका है, और ये तरीका वो है जो हम सब ने अपनाया है जब हम सब लोग वकील थे, कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुने और देखें कि वो एक केस की शुरुआत किस तरह से करते हैं, बहस किस तरह से करते हैं, कौन से साइटेशन वो लेके आए हैं, और उन साइटेशन को उसी वक्त अपने नोटबुक में या अपने मोबाइल पे लिखें। आखिरी बिंदु, एक जज को बांधने के तरीके। कई बार कहा जाता है कि एक युवा अधिवक्ता को नहीं मालूम कि इस जज को बांधा कैसे जाए। जज को बांधने के भी कुछ तरीके हैं, और उनमें से है केस लॉक साइट करना। अगर आप किसी भी जज के सामने बहस कर रहे हैं, सर्वप्रथम आप सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 जजमेंट्स ले आइए और उनको पेश कीजिए, या आप अपने ही हाई कोर्ट के जजमेंट्स को पेश कीजिए, क्योंकि जज के पास आजकल इतना समय नहीं होता है कि वो हर साइटेशन को बारीकी से पढ़े।
तो जाहिर है जज उस साइटेशन के ऊपर निर्भर करके ही अपना जजमेंट देगा। दूसरी चीज, अगर आप चार साइटेशन लाते हैं तो आपके जो ऑपोजिट काउंसिल उसके पास भी शायद इतना वक्त नहीं होगा कि वो ये बता सके कि ये साइटेशन क्यों नहीं अप्लाई होता उस केस पे। दूसरी चीज, हर एक अपील में अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, क्योंकि वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक जुडिशियल रिकॉर्ड का पार्ट बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई तर्क उठाया, आपने बहस की, परंतु उसका वर्णन या उसके बारे में एक अक्षर जजमेंट में नहीं लिखा गया। आप जब हायर कोर्ट में जाते हैं तब आप ये कह सकते हैं कि देखिए ये तर्क उठाया जरूर किया गया था, बहस किया गया था, परंतु इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। मुद्दा ये उठेगा कि ये तर्क उठाया गया था कि नहीं। आपके जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स है वो बताते हैं कि आपने ये रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स में जज को दिया था, यानी कि वो तर्क जरूर उठाया गया। फौजदारी अपील में तो नहीं, परंतु रिट पिटिशंस में जनरली लोबा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रेज कर देते हैं। जहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू रेज किया जाता है तो रिट पिटिशन में क्या होता है कि हमें नोटिस तो इश्यू करना ही पड़ता है। ये एक बहुत बारीक तरीका है, कई बार इसको हम लोग ओवर क्लेवर भी कहते हैं, परंतु तो एक ओवर क्लेवर तरीका भी है। जब आप चाहते हैं कि आपके रिट याचिका में एक नोटिस इश्यू हो, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू फ्रेम कर देते हैं या उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर देते हैं, तो जज के सामने और कोई विकल्प नहीं रह जाता है सिवाय कि वो नोटिस इश्यू करें। चेतन प्रकाश सैनी जी का, सोनी जी का प्रश्न है कि क्या कोई फर्क है जब हम प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस के ऊपर बहस करें या प्रेजम्पशन ऑफ गिल्ट के ऊपर बहस करें। प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस और प्रेजम्पशन ऑफ गिल्ट, सर्वप्रथम तो प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जैसे मैंने कहा कि कॉमन लॉ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस के ऊपर तो आपको इतना नहीं बहस करना है, परंतु बहस करना है प्रेजम्पशन ऑफ गिल्ट के खिलाफ। अब पहले तो आपको ये देखना है कि प्रेजम्पशन ऑफ गिल्ट क्या है, उसका स्तर क्या है, यानी कि ये कंक्लूसिव प्रूफ की तरफ आ रहा है या इस ये प्रेजम्पशन इतना है कि इसको आप तोड़ नहीं पाएंगे या आपको हक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैरिज, ये कानून की धारणा है कि कोई भी बच्चा जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैरिज है वो लेजिटिमेट है। कानून आपको इजाजत ही नहीं देगा कि आप इसके खिलाफ बहस करें, परंतु हाँ, अगर प्रेजम्पशन ऑफ गिल्ट है तो कोई ये प्रेजम्पशन क्या रिबेटेबल है, अगर रिबेटेबल है तो मुझे किस तरह की साक्ष्य पेश करनी है, ये तो ट्रायल कोर्ट के वकील को भी आना चाहिए। और अगर वो साक्ष्य पेश की गई है ट्रायल के दरमियान, तो जाहिर है आप उस साक्ष्य के ऊपर बहुत जोर शोर से बहस करेंगे। प्रेमचंद जी ने एक प्रश्न पूछा है जो अपील के बारे में नहीं है परंतु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में है, कि क्या तर्क उठाने चाहिए जब हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बहस कर रहे हैं। जब आप सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बहस करते हैं,
तो ये बहुत कुछ ऐसी है जैसे आप बेल के बारे में बहस कर रहे हैं, परंतु फर्क इतना है कि बेल के बहस के दरमियान प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो आपके फेवर में है, जहां की कन्विक्शन के बाद वो जो प्रेजम्पशन है वो आपके खिलाफ जाता है। परंतु फिर भी आप कुछ एक मुद्दे उठा सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस का टाइम पीरियड क्या है और क्या मुमकिन होगा कि ये अपील उस वक्त सुनी जाए। जैसे कि अगर आप एक ऐसे मुलजिम के लिए बहस कर रहे हैं जो जिसका कन्विक्शन 149 के आधार पर किया गया, तो आप ये बहस कर सकते हैं कि ये मेन मुलजिम नहीं है, ये पेरिफेरल मुलजिम है, इसलिए इसका सेंटेंस सस्पेंड किया जाए। आप उस वक्त भी ये बहस कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस बहुत कमजोर है और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो मेरे दोषी होने को साबित नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना कमजोर केस लेके आई है। मिसाल के तौर पे एक केस था जो जोधपुर में हमारे सामने बहस किया गया था, उसमें प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर केस लेके आया था क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास केवल एक ही साक्ष्य थी और वो थी कि मुलजिम के कहने के अनुसार एक कुल्हाड़ी एक खेत से बरामद हुई है और कुल्हाड़ी पे खून लगा हुआ है। ये परिस्थिति जन साक्ष का केस था, परंतु प्रोसिक्यूशन के पास इसके अलावा और कोई भी साक्ष्य नहीं था मुलजिम के खिलाफ। तो जाहिर है वकील साहब ने यही कहा कि केवल एक बरामदगी, वो भी एक ओपन फील्ड से, और भले ही कहा जाता है कि इस कुल्हाड़ी पे खून लगा हुआ है, एफएसएल रिपोर्ट नहीं बता पा रही कि ब्लड ग्रुप क्या है उस खून का, और अभियोजित साक्ष्य ये भी कहीं नहीं लेके आया है कि मृतक के खून का ब्लड ग्रुप क्या है। तो मात्र इस बरामदगी के ऊपर इस आदमी को दोषी करार नहीं ठहराया जा सकता है। जाहिर है आप यही डिस्कस करेंगे कि अभियोजन पक्ष की कमजोरियां क्या क्या हैं, और या कि ये डिस्कस करेंगे कि जजमेंट के जो आधार है वो कानूनन आधार नहीं हो सकता है। दुष्यंत नरुका जी ने एक अहम प्रश्न पूछा है कि सेक्शन 391 सीआरपीसी के तहत हम एडिशनल एविडेंस कब ले सकते हैं अपील के दरमियान, और कोर्ट क्या इस एप्लीकेशन को डिनाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। एडिशनल एविडेंस लेने का प्रावधान जरूर है, परंतु ये इतना लिबरल नहीं है जितना कि हम सिविल प्रोसीजर कोड में या सीपीसी में या सिविल केसेस में हम पाते हैं। 391 का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, और जाहिर है कि हमें ये प्रूव करना पड़ेगा उस वक्त कि ये जो एविडेंस थी या तो अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर नहीं रखी, या ये डिफेंस एविडेंस जो थी वो उस वक्त हमें अवेलेबल नहीं थी, परंतु ये इतनी इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि ये पूरे अभियोजन पक्ष को हिला सकती है और साबित कर सकती है कोर्ट के समक्ष कि जो मुलजिम है वो निर्दोष है। जनरली कोर्ट तभी ये एविडेंस अलाउ करेगा जब हम ये जान जाएं कि ये जानबूझकर ये एविडेंस अभियोजन पक्ष ने नहीं पेश की थी, या ये एविडेंस आपके पास नहीं थी, डिफेंस के पास नहीं थी जब ट्रायल था, या संपूर्ण न्याय करने के लिए ये एविडेंस बहुत जरूरी है। इन्हीं संदर्भों में हम वो एप्लीकेशन अलाउ करेंगे, परंतु मान लीजिए वो एप्लीकेशन केवल एक केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए की गई है, या ये एप्लीकेशन या ये एविडेंस ट्रायल कोर्ट के दरमियान ही पेश की जा सकती थी, और ये एक तरीका है कि हम
अपील को लिंगर ऑन करें तो जाहिर है कि वो आपकी जो दरखास्त है वो नामंजूर की जाएगी। प्रेमचंद जी ने एक प्रश्न पूछा है, मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न को दोबारा मेरे पास भेजें क्योंकि ये बहुत क्लियर नहीं है। आपने लिखा है कि अगर मुलजिम बेल पे है ट्रायल के दरमियान तो क्या क्रिमिनल अपील दर्ज की जा सकती है? जाहिर है कि अगर वो ट्रायल के दरमियान भी बेल पर है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि क्रिमिनल अपील दर्ज नहीं की जा सकती है। अगर क्रिमिनल अगर उसको सजा हुई है तो जाहिर है वो क्रिमिनल अपील दर्ज कराएगा, और अगर वो निर्दोष घोषित किया गया और एक्विटल का ऑर्डर है तो जाहिर है कि विक्टिम या कंप्लेनेंट, और विक्टिम और कंप्लेनेंट में भी फर्क रखा गया है सीआरपीसी में, इन दोनों में से कोई तो क्रिमिनल अपील लेके आ सकता है क्योंकि ये अधिकार हो गया है विक्टिम और कंप्लेनेंट का कि वो क्रिमिनल अपील दर्ज कर सकते हैं। वक्त को नजर में रखते हुए यह आखिरी सवाल, द डिफरेंस बिटवीन एन अपील बाय विक्टिम अंडर सेक्शन 372 एंड वन अंडर सेक्शन 378 सीआरपीसी, ये प्रश्न किया है दुष्यंत सिंह जी ने। इसके भी दो तीन फर्क है इसमें। 378 या 372, और अभी हाल ही में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील विद किया है क्योंकि मुद्दा ये उठा कि क्या एक विक्टिम 372 के अंतर्गत अपील एक हक के नाते दर्ज कर सकता है या उसको लीव चाहिएगी कोर्ट की, क्योंकि 378(4) कहता है कि एक कंप्लेनेंट को लीव की जरूरत पड़ेगी। तो मुद्दे ये उठे कई सारे हाई कोर्ट्स में कि क्या एक विक्टिम 372 में हक के तौर पे एक अपील दर्ज करा सकता है या लीव की जरूरत पड़ेगी, और इसका जवाब अभी भी सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मल्लिकार्जुन कोडागली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स 2019 वॉल्यूम 2 SCC पेज 752 में दिया है, जिसमें मेजॉरिटी ओपिनियन ये है कि ए विक्टिम कैन सर्टनली फाइल एन अपील विदाउट हैविंग टू सीक द लीव ऑफ द कोर्ट। माइनॉरिटी ओपिनियन ये है कि द लीव ऑफ द कोर्ट इज स्टिल रिक्वायर्ड इवन इफ यू वर टू फाइल एन अपील अंडर 372। फर्क 372 और 378 में ये है कि अगर 372 में विक्टिम, जिसकी परिभाषा सेक्शन 2 WA में दी गई है, जिस विक्टिम केवल वो नहीं है जिसके खिलाफ अपराध किया गया, विक्टिम वो भी हो सकता है जो उसका लीगल गार्डियन हो या लीगल एयर हो, तो विक्टिम की परिभाषा ज्यादा बड़ी है बजाय की कंप्लेनेंट के, नंबर एक। नंबर दो, 372 अगर आप पढ़ें विक्टिम जो है वो तीन परिस्थितियों में अपनी अपील फाइल कर सकता है, अगर एक्विटल का ऑर्डर हो या उसका ये मानना हो कि एक ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी और एक लेसर सजा दी गई है, या तीसरा कि इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिया गया है। इन तीन ग्राउंड्स पे एक विक्टिम अपनी क्रिमिनल अपील फाइल कर सकता है। 378(4) का जहां तक सवाल है, एक कंप्लेनेंट सर्वप्रथम उसको स्पेशल लीव टू अपील फाइल करनी पड़ेगी, और उसको कंप्लेनेंट होगा पूरा केस ही कंप्लेनेंट का केस होगा, यानी कि एफआईआर का जो केस है उसमें एक कंप्लेनेंट
नहीं फाइल कर पाएगा धारा 378 सबसेक्शन 4 के तहत। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ने मुझे बहुत शांतिपूर्ण सुना, और मैं दोबारा से राजस्थान बार काउंसिल का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने विचार पेश करने का, आप सब लोगों से दो शब्द कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, अपने घरों में हैं, और भगवान से आपके भविष्य के लिए और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना है। और उम्मीद ये भी है कि ये जो क्रिटिकल मोमेंट है हमारे देश के लिए, ये शीघ्र अति शीघ्र समाप्त हो जाएगा। नमस्कार।